नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आजकल हर इंसान दो जिंदगियां जीता है। पहली जिंदगी जो वास्तविक जिंदगी है, जिसमें एक आम आदमी होता है, ऑफिस जाता है, मेरी तरह जर्नलिस्ट हो सकता है, बैंक में काम कर रहा होता है, स्वीपर होता है, डेली जॉब्स करता है। एक तो वो जिंदगी जो हम देखते हैं बस में चल रहा है, कोई आम सा देखने वाला आदमी। दूसरी जिंदगी भी है, दूसरी जिंदगी है सोशल मीडिया पर। भले ही वो सामने से एक आम आदमी हो, बैंक में काम करता है या किसी स्टोर में काम करता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे सुपरस्टार है। और वो सोशल मीडिया पे जो सुपरस्टारडम है उसका, वो उसकी असली जिंदगी पर भी बहुत प्रभाव रखता है और उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है। अब ये एक बहुत खास शो करने वाले और खास मेहमान भी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि हम ये शो क्यों कर रहे हैं। ये शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सबने देखा होगा, एक घटना हुई है लखनऊ में हाल ही में, जहां पर एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। इसलिए कर दी क्योंकि वो पबजी एडिक्ट था और इंस्टाग्राम एडिक्ट था, और उसकी मां ने रात में मना किया कि तुम पढ़ाई कब करोगे, तुम पबजी पर गोलियां चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम पर रील बनाते रहते हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो इतना ज्यादा क्रोध में आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने अपनी मां को जान से मार दिया। तो आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा, ये जो फोन है आपके हाथ में, उस फोन में क्या कर रहा है, ये सामने वाला इंसान क्या है। वैसे एक बहुत दिलचस्प सीरीज है हॉटस्टार पर, डिज्नी हॉटस्टार पर, इसका नाम है एस्केप लाइव। वो ऐसे ही लोगों के बारे में है जो बिल्कुल आम जिंदगियां जीते हैं। कोई किसी रेस्टोरेंट में काम करती है, कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक व्यक्ति है जो बैंक में काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग है। वहां पर एक पैरेलल अलग जिंदगी, अलग कैरेक्टर है उनका। तो हमारे साथ एस्केप लाइव की स्टार कास्ट है, और सबसे पहले हम इनसे मिलवाते हैं। आपके हमारे साथ सिद्धार्थ कुमार तिवारी हैं, जो कि इस एस्केप लाइव को इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने ही डायरेक्ट किया है, और यही प्रोड्यूसर हैं। और एक और सिद्धार्थ हैं, ये सिद्धार्थ आप सब जानते हैं, साउथ इंडियन सुपरस्टार तो हैं, या रंगदे बसंती में जबरदस्त इनका कैरेक्टर था, उसके अलावा भी कई इन्होंने बॉलीवुड मूवीज की हैं, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं श्वेता तिवारी, और श्वेता तिवारी मिर्जापुर आपने देखी, मसान देखी, जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, काफी पॉपुलर हैं यंगस्टर्स में, हर जगह सब जानते हैं। गोलू का कैरेक्टर था मिर्जापुर में इनका, जबरदस्त। तो ये तीनों लोग हमारे साथ में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी से, जिन्होंने ये पूरी सीरीज लिखी है और डायरेक्ट की है। सिद्धार्थ, जरा अपनी सीरीज के बारे में बताइए, और जब परसों ये पूरी जब घटना लखनऊ वाली हुई, जब लोग इस बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि वो अपना बच्चा है या उनके घर में कोई रहता है, वो फोन पे क्या दिन भर कर रहा है, समझ नहीं आता। ये सीरीज बनाने का आइडिया कैसे आया, और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में क्या कुछ दिलचस्प है हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो सौरभ, बहुत अच्छा लगा कि आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली यही रीजन था इस कहानी को कहने का। लास्ट चार साल से लगभग मैं इस पे काम कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे सराउंडिंग में ये मोबाइल आने के बाद बहुत चर्चाएं हो रही थी, कैसे हम मोबाइल के साथ में जिंदगी चेंज हो रही है, और फिर ये लाइव स्ट्रीमिंग एप्स आ गए, फिर सारी दुनिया सबकी कन्वर्ज होके मोबाइल में हो गई। तो मैं उस चीजों के बारे में सोच रहा था, फिर मैंने देखा कुछ लाइव एप्स हमारे कंट्री में किस तरीके से जिंदगी में लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि लोगों की ड्रीम्स हैं, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, सब कोई आगे बढ़ना चाहता है, और कहीं उनको समझ में नहीं आता है कि जैसे एक ड्रग एडिक्शन होता है, वैसे एक सोशल मीडिया का एडिक्शन है। और क्योंकि कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे दुखी होने के लिए नहीं आता, हर इंसान का एक पर्पस होता है कि हम अपना चेहरा चेंज करें, फिल्टर डालें, देयर आर वेरियस वेज जैसे हम खुश होते हैं सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलकर मैंने काफी रिसर्च की, हमारे को राइटर भी हैं जया मिश्रा, हम लोगों ने काफी चीजें साथ में की, जहां पर हमने फिगर आउट किया कि कैसे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इस कहानी को कहने का मेन तत्व यही था कि लोग समझें कि कहीं ना कहीं हम जब वो लाइन क्रॉस करते हैं, किस तरीके से हम हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम एक चीज के को पाने के उसमें किस जोश में हम कहां से कहां तक चीजें चली जाती हैं, और कब चीजें बुरी होती हमें समझ में नहीं आता। सो एट द कोर यही रीजन था। और जैसे आपने बोला कल ये जो कहानी हुई है, अगर आप इसे रिसर्च करेंगे, जो आप लखनऊ में आपने बताया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, यू नो, आप अगर इस पे और रिसर्च करेंगे, 3-4 साल पहले जब मैं इसको लिख रहा था, उस समय भी मेरे को काफी ऐसे आर्टिकल्स मिले थे जहां पे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट लोगों पे किस तरीके से हो रहा है। पर मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमें उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि ये चीज गलत है। अगर हमें मालूम है कि हम ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसका एक इफेक्ट आता है,
तो हर चीज का एक अदर साइड है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं 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 ये उतना ऐसा नहीं है, पर उसका एक बहुत डीप रूटेड इफेक्ट हमारे माइंड में होता है। तो ये कहानी कहने का मेन भाव वो था, और दूसरा था कि ये सारे किरदार जो हैं ये सारे के सारे रियलिटी से लिए हुए हैं। जितने लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं ये सारे किरदार लिखे गए हैं ये सोचकर कि इनकी पर्पस जो वो करने निकले हैं वो है था कि उनकी जिंदगी बेटर हो। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आज जहां खड़े हैं वहां से बेटर हो। हर लोग हर इंसान ये चाहता है। तो हर एक किरदार इस सीरीज में, जैसा आपने कहा कि एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की है वो काम करती है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, हम देखते हैं हमारे आसपास कि सारे चाइनीज रेस्टोरेंट में हम एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे लोगों को फील दे कि हम चाइना में हैं पर एक्चुअली वो इंडियंस हैं। एक छोटी बच्ची है जिसे जिसे सब चाहते हैं कि हमारी बच्ची आगे बढ़े। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसकी बच्ची के साथ कुछ बुरा हो, सबको चाहता है कि उसकी बच्ची के साथ कुछ अच्छा हो, उसकी बच्ची आगे बढ़े, कहीं ना कहीं उनके सपने जो शायद वो पूरा नहीं कर पाए। पर उन्हें मालूम नहीं है कि जो वेपन है सोशल मीडिया का, वो जो जो इफेक्ट उसका होता है, बिकॉज सोशल मीडिया फॉर मी इट जस्ट मैग्निफाइज एवरीथिंग। हम आते हैं खुश होने के लिए, हम फिल्टर डालते हैं, लाइक्स मिलते हैं हमें, लोग हमें फॉलो करते हैं बहुत अच्छा लगता है, पर जब अनफॉलो करते हैं तो उतना ही बुरा, उतना ही खराब, उतनी ही चीजें और बद से बुरी होते जाती हैं। और कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजें करते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जी बिल्कुल, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि नहीं ये मैं हूं कुछ या अपनी औकात है कुछ। वैलिडेशन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेशन मिलती है। आपको लगता है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला जिनको अपने ही चेहरे फिल्टर के साथ ही पसंद आते हैं आजकल। सो देर इज अ वर्ल्ड अराउंड अस दैट इज चेंजिंग। आज हमारी कंट्री बदल रही है, अब हम वो नहीं है जो हम थे। हर एक चीज जब आती है, जब 50 साल पहले टेलीविजन आया उस समय भी लोग बात करते थे टेलीविजन का क्या इम्पैक्ट होगा, वहां से हम मोबाइल वर्ल्ड पे आए हैं। तो आज किसी के हाथ में ये फोन है वो स्टार बन सकता है, वो आप कोई भी चीज दिखा सकते हैं। और अगर कंपनीज इस तरह के कॉन्टेस्ट कर रही है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अब दूसरे सिद्धार्थ के पास आते हैं। सिद्धार्थ इसमें आपका कैरेक्टर है स्केप लाइव जो हमने देखा, बड़ा सीरियस कैरेक्टर है और आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक वो स्केप लाइव के शो की मॉडरेशन कर रहे हैं। आप का वो कैरेक्टर है जो रोक रहा है, आपने जो क्रिएटिव टीम है उनको कह रहा है कि नहीं ये गलत है, यहां पर आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, छोटी बच्ची है इससे आप वो सब करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्सीन है, थोड़ा वल्गर है। आपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और आपका पर्सपेक्टिव बताइए कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अच्छा है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लोगों की हेल्प हो जाती है। हमने देखा एक बंगाल में एक बादाम बेचने वाले शख्स, उन्होंने बढ़िया गाना गाया कच्चा बादाम और वो बहुत पॉपुलर हो गया रातों रात, तो वो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। लेकिन एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में हमने लखनऊ वाली इंसिडेंट का जिक्र किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सबसे पहली बात तो एस्केप लाइव जैसा शो जब हम बनाते हैं इतनी जल्दी ऐसा मौका आएगा कि हम बोलेंगे कि देखा यही तो हम हमारे शो में बोल रहे थे। हम नहीं चाहते कि ऐसा मौका इतनी जल्दी आए, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जो कुछ लोग थे जिन्होंने एस्केप लाइव, अभी तो इस जनरेशन का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है हर चीज जल्दबाजी में बोल ही डालो पूरी तरह सोचे बिना, ये ट्रेडमार्क हो गया है हमारे जनरेशन का। तो एस्केप लाइव का फर्स्ट रिस्पांस किसी ने कहा था कि अरे ऐसे कौन करता है यार, मतलब किसी कैरेक्टर का एक इडियोसिंक्रेसी देख के कोई पूछता है ऐसे कौन करता है, तो हम लोग हंस रहे थे। लेकिन हम लोग ने कहा कि ऐसे कौन करता है, मतलब एक बार इधर उधर देखो यार, हर लोग काफी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज बिकमिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर बाय द डे। एंड जैसे कि आपने कहा था कि दिस इज अ नीड फॉर आइडेंटिटी, अ नीड फॉर वैलिडेशन, जो जो ये बहुत एक वल्गर एक शब्द मानता हूं औकात, जो आजकल बतौर एक वेपन जैसा एक हथियार बन गया है, जो तेरी औकात ही क्या है, औकात ही क्या है। तो हर एक शख्स जब अपनी औकात एक फोन पे या एक कंप्यूटर पे ढूंढना शुरू कर देता है कि किसी और के नजरिए से अपने आप को देखकर उसके बाद अपने आप को पॉइंट्स देना और अपने आप को ही रेस्पेक्ट करना शुरू करना, बहुत डरावना एक सिचुएशन है। और आई बात कृष्णा रंगस्वामी जो इस कैरेक्टर जिस एस्केप लाइव में मॉडरेटर का काम करता है, देखिए हर एक शख्स जिंदगी या तो दो नजरिए से देखता है, एक की कोई उसे बता दे कि ये सही है ये गलत है, और दूसरा वो उसको खुद पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टेंड टू थिंक दैट दे नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। तो कृष्णा रंगस्वामी एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़का है, उसको लगता है उसको सब पता है क्या सही है क्या गलत है, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, कल्चर क्या है हमारा कल्चर क्या नहीं है, तो वो उसकी सोच है। और जब सिद्धार्थ तिवारी ने इस कैरेक्टर को लिखा और हम लोग इसे डेवलप करके
स्क्रीन पे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो बात यही थी कि ऐसे लोग हमारे हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर घर में मिलते हैं। अब श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, आपका जो कैरेक्टर है वो एक बनारस की लड़की का है जो किसी से मिलने जाती है शादी के लिए, और वो एक बहुत आम लड़का है जो बैंक में काम करता है। जरा उस लड़के के कैरेक्टर के बारे में बताइए और आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। हमने तो देख लिया है, बताइए जरा अपने कैरेक्टर के बारे में, उस लड़के के बारे में और आपके पर्सपेक्टिव के बारे में। तो मेरा जो किरदार है वो मैंने जो मुझे सबसे अच्छी बात सुनैना के बारे में लगी वो ये है कि कई लोग होते हैं जिनका जो एजेंडा नहीं ढूंढ रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है एक अच्छा इंसान होना, लोगों की मदद करना। जो सुनैना के सवाल भी हैं जो सीन में होती है जब वो मीना कुमारी से मिलती हैं और वो पूछती है कि ये तुम्हारा बचपन से यही था कि बाद में तुम्हें महसूस हुआ, तो मैं इनफैक्ट जो हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ हैं उनसे वही पूछ रही थी कि मैं ऐसे ही पूछ लूं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये गलत नहीं साउंड करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नहीं समझ में आता है एंड ये समझना बहुत जरूरी है, उनकी तरफ से सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है एंड जिससे कि हम लोग ये समझ पाए और एक दूसरे की मदद कर पाए। बिल्कुल, जो जिस कैरेक्टर की बात कर रही है, मिलने जाती है श्वेता उनसे और वो लड़का होता है बैंक में काम करता है और शाम को वो महिला का भेष रखता है, अपने बंद कमरे में जाता है और बहुत बेहतरीन गाना गाता है और उसको एस्केप लाइफ पे डायमंड्स मिलते हैं, अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, या जो जिंदगी वो नहीं जी पा रहा है असलियत में वो जीता है। सिद्धार्थ तिवारी वापस आपके पास आते हैं। सर ये बताइए कि अब आपने तो अपने एस्केप लाइफ के बारे में बताया, समाज पे चर्चा करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता। सिद्धार्थ ने बोला कि कोई ऐसा करता है क्या, जब आपका जो फर्स्ट रिएक्शन आया कोई ऐसा करता है क्या, बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता। जैसे कि जब ये शो देख रहा था जब आज घर पे, तो अपनी मदर मेरी आ जा रही थी, थोड़ा मदर से दूर रह के, नहीं मदर ना देख लें, बहुत सारी चीजें होती हैं, कल्चरल शॉक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें असलियत है, वाकई में हो रही हैं। तो इसके बारे में बताइए कि समाज ये एक्सेप्ट करना कब शुरू करेगा, और शायद हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी कम होंगी, इसके मिसयूज कम होंगे, लोग समझेंगे, जानेंगे कि नहीं असलियत में ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल सही सौरभ, बिल्कुल। असलियत में होता क्या है कि हमें जब तक हम उन चीजों का हमें प्रॉब्लम मालूम नहीं होगी तो उसका सलूशन निकल नहीं सकता कोई भी चीज के बारे में। अगर कोई किसी इंसान से मैं मिलता हूँ वो बोलता है कि यू नो आजकल यू नो इंसान अल्कोहल रिहैब में तभी जाता है जब उसे लगता है कि अल्कोहल ज्यादा हो गया। कोई भी बदलाव तब आता है जब जहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है कि इस कहानी के थ्रू से जो हमारे देश में सोशल इश्यूज हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान इससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट हर इंसान की जिंदगी में है। तो मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो मैं इस कहानी के थ्रू से हम सब ये मिलकर ये कहना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में आज जो हो रहा है, जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, जिस तरह की चीजें हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, पहले हम उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे ऐसा कहाँ होता है, पर मैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि उनकी नॉलेज में उनको एज दे विल गूगल, शायद एक्चुअली इसीलिए तो ये शो बनाया है कि कुछ लोगों के लिए वो एक इंसाइट होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, और बहुतों के लिए जो एक्चुअली में होता है उनको वो रिलेट करते हैं उससे कि हाँ ये तो हम रोज देख रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को नहीं मालूम होता कि उसके सराउंडिंग में क्या होता है, बिकॉज उसकी खुद की जिंदगी उतनी ही होती है जितनी लिमिटेड जिंदगी में हम जीते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग होते हैं, पर पर्पस हमेशा ये था मेरा जो कहीं ना कहीं, एंड सो नाइस दैट यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट इट टुडे, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम एक इश्यू की बात ना करें या उसे एक्सेप्ट ना करें, उस पर चर्चा ना करें, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक्सेप्टेंस इज अ रियलिटी, वी हैव टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ रियलिटी अराउंड अस टुडे एंड वी नीड टू फिगर अ वे फॉरवर्ड। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, बट वी शुड बी अवेयर। वंस वी आर अवेयर वी कैन फिगर अ वे फॉरवर्ड। एस्केप लाइफ सीरीज है जो हॉटस्ट्रीम पर इस वक्त स्ट्रीम हो रही है, और आप जाइए हॉटस्टार पे उसको देखिए और समझिए, और हर पेरेंट्स इसको देखे और देखे कि अपने बच्चे को कैसे निकालना है और कैसे उसे समझाना है कि इसकी क्या अच्छाई और क्या बुराई। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।